काफ़ी बड़ा एक मुद्दा चल रहा है खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे को लेकर के, दोनों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे? आप देखिए, ये इंडस्ट्री है, यहाँ कंट्रोवर्सी तो होता ही रहता है। वैसे पवन जी का नाम आते ही कंट्रोवर्सी पवन सिंह मतलब कंट्रोवर्सी वैसे पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे लाडले, बहुत अच्छे प्यारे इंसान हैं। और जो भी कंट्रोवर्सी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है ये सब, मैं पवन जी से मुलाकात करूंगा, रितेश जी से मिलूंगा, और खेसारी जी से अगर मुलाकात हुई तो मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री छोटी, बहुत छोटी है। वैसे हमारे ऑडियंस हिंदी से भी बड़े हैं, हिंदी से भी ज़्यादा ऑडियंस है भोजपुरी का। सो देश में ही नहीं, दुनिया में भोजपुरी भाषा बोली जाती है और भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं, फिर भी हमें भोजपुरी वालों को अपने हमारा बजट के हिसाब से हम पीछे रह जाते हैं। और जबकि जो छोटी इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, जहाँ 50 करोड़ की भी फिल्म बन जाती है, और हमारी भोजपुरी 2-3 करोड़ में ही घूमती रहती है। सो ऐसे समय में, और एक तो अपना पूरी दुनिया जहाँ कोरोना वायरस से लड़ रहा है और ये लॉकडाउन से गुजरा है, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे ही लोग परेशान हैं। आप लोग छोटी छोटी बातों पर कंट्रोवर्सी ना करें। आप सब, खेसारी जी, पवन जी, रितेश जी, दिनेश जी, आप सब के सब भोजपुरी के पिलर हैं। आप पर पूरे भोजपुरी वासी गुमान करता है। भोजपुरी मतलब पहले बहुत से हीरो स्टार्स हुए हैं, आज के दिन में भोजपुरी मतलब आप लोग हैं। सो आप लोग से यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बहुत सीनियर हो गए हैं और आपकी एक एक बात पब्लिक जानती है, सुनना चाहती है, आपको देखना चाहती है, तो आप लोग कुछ भी ऐसा ना करें कि आपके चाहने वालों के दिल पर ठेस पहुंचे। कुछ होंगे खेसारी जी के चाहने वाले, कुछ होंगे पवन जी के चाहने वाले, कुछ होंगे रितेश जी के चाहने वाले, दिनेश जी के चाहने वाले, सबके चाहने वाले अलग अलग हैं, और कुछ हैं जो सबको चाहते हैं। तो जो सबको चाहते हैं और जो दूसरे हीरो को चाहते हैं, मतलब आपकी एक भी बात से किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस पहुंचे, ऐसी भाषा और इस तरह की बातें ना करें। और आप सब बस यही है, आप पर ही गुमान है हमारे बिहार का, हमारे भोजपुरी का। सो आप सब बहुत अच्छे इंसान हैं, खेसारी जी भी, रितेश जी, पवन जी सब। और खेसारी पवन जी में सबसे अधिक किस साथ आपने काम किया है? मैंने सबसे अधिक पवन जी के साथ काम किया है, और मैं पवन जी को बहुत प्यार करता हूँ। पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं। सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके चहेते स्टार से कभी कुछ किसी तरह की बातें करने में कुछ अगर भूल हो जाती है, तो आप लोग भी क्षमा करने के लिए तैयार हैं। साथ में जरा बताएं कुछ। पवन जी के साथ मेरी फिल्म आ रही है, डायरेक्टर कौन है उस फिल्म के? हाँ, उसके डायरेक्टर हैं जगदीश शर्मा जी। जगदीश शर्मा जी डायरेक्टर हैं। चिंटू जी के साथ फिल्म आ रही है मेरी, माई बाबू जी के आशीर्वाद। इसके डायरेक्टर रफीक भाई हैं, प्रदीप भैया प्रोड्यूसर हैं, और आदर्श जी की ये फिल्म आ रही है। और भी फिल्में मेरी है, कई हिंदी फिल्म आ रही है, द डार्क जंगल जो हिंदी है, और बहुत ही अच्छे बजट की फिल्म है, राकेश सावंत इसके डायरेक्टर हैं। और इस तरह से कई फिल्में आ रही है मेरी, हिंदी भी, भोजपुरी भी, मराठी कर रहा हूँ। जाते जाते दर्शकों कुछ कहना चाहेंगे? बस आप सब ने जो बहुत सारा प्यार मुझे दिया है, सब प्यार मैं अपने दिल में समेट कर रखा हूँ, आगे भी ऐसे ही प्यार की बरसात करते रहिए। लव यू।